नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा शर्मा। नजर डालते हैं जिले से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। आइए देखते हैं, कुछ वर्षों तक वीरान सी रहने वाली जगह व शमशान घाट के नाम से मशहूर शिवा घाट का कायाकल्प करने वाले नगर पंचायत शिवरही के अध्यक्ष पिपरा घाट पनका पुल निर्माण संघर्ष समिति के अगुवा व भाजपा नेता श्याम सुंदर विश्वकर्मा ने पर्यटन स्थल का खाका तैयार कर जंगल में मंगल वाली कहानी को चरितार्थ करते हुए भारतीय सभ्यता को जीवंत करने के सफल प्रयास से आसपास ही नहीं भारत के दूसरे प्रदेशों व नेपाल देश तट के लोगों को आवागमन को ध्यान में रखकर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित तथा आकर्षित करने की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की। वर्तमान में विकसित किए गए मंदिर निर्माण निर्माणाधीन स्थल का सुंदरीकरण, छठ पूजा स्थान, धर्मशाला, शमशान स्थल निर्माणाधीन, गौशाला, डिग्री कॉलेज, भगवान बुद्ध स्थान, पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था सहित तमाम योजनाएं शामिल हैं। तो आइए जानते हैं जमीनी नेता नगर चेयरमैन श्याम सुंदर विश्वकर्मा से। आप शिवरही जनपद से, नगर पंचायत शिवरही से चेयरमैन, वहाँ पे जैसा कि जानकारी हमें हुआ है कि आपके द्वारा उस एरिए में जो बिल्कुल इंटीरियर है और यूपी बिहार के बॉर्डर पे आप एक पर्यटन स्थल का जो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो किस तरह का पर्यटन स्थल है, उसकी खासियत क्या है, ये हम जानना चाह रहे थे आपकी जुबानी। आज अब जो आप बता रहे हैं, जो आप देख रहे हैं इंटीरियर एरिया, ये उत्तर प्रदेश बिहार नेपाल का सीमावर्ती इलाका है और भगवान बुद्ध की पावन स्थली कुशीनगर जनपद के अंतर्गत है। और यहाँ बहुत पौराणिक, जैसे 100 काशी के बराबर एक बांसी नदी का महत्व होता है, ये बहुत यथार्थ कहावत है। जो भगवान राम की बारात अयोध्या से जनकपुर गया था तो इस घाट पर शिव पार्वती का निवास हुआ था, इसलिए इस घाट का नाम शिवा घाट है। और चूँकि यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था और बांसी नदी पानी अवतरित करके नदी से पानी निकाला गया था, और यहाँ पर बहुत बड़ा त्रिपंडी पूजा होता है जो नदी शहर के उत्तरायण है, और ये एक ऐतिहासिक मंदिर था। यहाँ शंकर भगवान का और माता जी का जो जुगश्री देवी भवानी, अभी नदी खुदाई जो सुंदरीकरण कार्य चल रहा था, तो सुंदरीकरण कार्य के दौरान नदी खुदाई से बहुत आकस्मिक आवाज़ आया और आवाज़ के दौरान जो है इसमें कई बार कई दिनों से लगातार आवाज़ आते रहे, माता जी के दर्शन होते रहे और पांच शिवलिंग प्राप्त हुआ। गणेश जी की मूर्ति प्राप्त हुई जो लाल पत्थर की मूर्ति है, बहुत कीमती मूर्ति है, और हनुमान जी की मूर्ति प्राप्त हुआ। पूरा मैंने एक तरह देखा जाए तो वो शिव परिवार, माता जी का और पंच शिवलिंग प्राप्ति हुआ, जिससे लगता है कि ये जगह बहुत पौराणिक स्थल है। और इसके इसी का देन है कि भगवान कृपा है कि हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष होने के बाद इस घाट का निर्माण शुरू हुआ, तो आज आपके सामने वो सीन दिखाई दे रहा है, को बताया जा रहा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा महत्व है, जैसे 100 काशी के बराबर महत्व है, और भविष्य में इस घाट को इस पार से उस पार बनाना है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना है, यहाँ डिग्री कॉलेज जो शिक्षा का अभाव इस क्षेत्र में इलाके में है, तो इसको एक बहुत बड़ा पार्क, जो ऐतिहासिक एक पार्क बनने जा रहा है, जो करोड़ों रुपये की लागत से पार्क बन रहा है। यहाँ गौशाला बना रहे हैं, वृद्धा आश्रम बना रहे हैं, यहाँ पर वो आपको कई चीज़ों का जो पर्यटन मेला यहाँ लगता है, दूर दूर से लोग करीब सैकड़ों किलोमीटर दूर से आते हैं। दाह संस्कार अंत्येष्टि स्थल है, यहाँ तमाम तरह की पब्लिक को सुविधा देने के विचार है। और यह शहर से बाहर एक भी बिजली खम्भा नहीं था, 2000 बिजली खम्भे लगाए गए और 3 सड़क बनाई गए जो इंटरलॉकिंग, और यहाँ से बाईपास सड़क जो बनाई गई शहर के बाहर से, वो सड़क 2 लेन होने जा रहा है। और यहाँ पर करीब साल में 200 ऐसे मेले लगते हैं जो लाखों लोग का भीड़ होता है। उसमें चेयरमैन साहब, जरा सा एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, वो ये कि जो पर्यटक स्थल होता है उसकी कुछ क्राइटेरिया होती है, तो कौन सा आपने वो क्राइटेरिया आपने अडॉप्ट किया है, या उसके लिए प्रचार प्रसार की क्या आपने व्यवस्था किया है, हम ये जानना चाहेंगे। पर्यटक स्थल चूँकि वहाँ तक लोगों को पहुँचने के लिए आप आकर्षण का केंद्र और किस हिसाब से बनाएंगे? देखिए, अभी तो स्वच्छ गंगा अभियान सफाई चला है, हमने बताया सबसे बड़ा महत्व तो नदी है जो 100 काशी बराबर एक बासी नदी है, और शहर के उत्तरायण या त्रिपिंडी पूजा पटना से, दिल्ली से, बनारस से लोग यहाँ आते हैं, उसका महत्व बहुत बड़ा है। और इस नदी को मैं माध्यम से चाहता हूँ कि पर्यटन स्थल को दिया हूँ कि यह पर्यटन घोषित होगा, तो यहाँ बुद्धा पार्क बन रहा है, विदेशी लोग भी आएंगे, फॉरेन के लोग वहाँ बुद्धा पार्क में आएंगे, जो
भगवान बुद्ध के जनपद में है। दूसरे नंबर की जो भौतिक सत्यापन नदी हमारी जो इतना स्वच्छ है, उस पानी को गंगा से नदी से और इसकी पालनी जांच हुआ तो आप देखिए शीशे की तरह चमकता है, और ये नदी का इतना निर्मल जल है, इसके लिए ऐतिहासिक यह है कि लोग यहाँ दूर दूर तक आने के लिए अपने इच्छा जाहिर कर रहे हैं। उसके लिए व्यवस्थाएँ नहीं थी और व्यवस्था इतना बढ़िया हम लोग देने जा रहे हैं। आने वाली सरकार से मांग किया जा रहा है कि पर्यटन विभाग कर ले ताकि दोनों तरफ से घाट निर्माण और इसकी सफाई या सरकारी सुविधाओं में इसका सहयोग मिले ताकि इसका विकास और हो सके। चूँकि आप नगर के चेयरमैन हैं और संयोग से इस समय भाजपा गवर्नमेंट में वह एक नगर पालिका आपको मिल गया और भाजपा से आप एक प्रतिनिधित्व भी करते हैं, तो क्या इस संबंध में सरकार का ध्यान आपने आकर्षित कराया है कि इस पर्यटन को डेवलप किया जाए? हाँ, मैंने पर्यटन मंत्री से दो दो बार मिल चुके और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे ही मंडल के हैं, तो मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री के द्वारा इस कार्यक्रम का लोकार्पण हो, अभी लोकार्पण नहीं हुआ है, मैं शीघ्र ही प्रयास में कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान आकर्षित कराते हुए, चूँकि धार्मिक कार्य भी है, हम माता जी का मंदिर निकला है नदी से, तो ये तमाम ऐसे है मंदिर के वो महंत भी हैं और उनके इलाके में आता है तो आएंगे तो निश्चित रूप से इसका विकास चौमुखा विकास हो जाएगा और ये पर्यटन स्थल घोषित हो जाएगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो की लड़ाई में 11 शहीदों की शहादत का गवाह है नगर पंचायत सेवरही। कुशीनगर जनपद के उत्तर प्रदेश बिहार सीमा एवं नेपाल देश के सन्निकट छोटी गंडक नदी के किनारे बसा आदर्श नगर पंचायत सेवरही का हिस्सा शिवाघाट भगवान बुद्ध व महावीर की परिनिर्वाण स्थली, अशोक सम्राट की कार्यस्थली, महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली एवं स्वतंत्रता संग्राम के वीर नायक महाराजा फतेह बहादुर शाही की गृहस्थली व राजा इंद्रजीत प्रताप शाही की कर्मस्थली बासी नदी को समेटे शिवाघाट नामक स्थान को मूल अस्तित्व वापसी से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।